बेसिक क्वेश्चन के बारे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिविल साइट इंजीनियरिंग में। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे इंटरव्यू में पूछे गए हैं, और जो एग्जामिनर या जो हमारे हम जब अगर जॉब कर रहे हैं या हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हम फ्रेशर हैं, उन सब के लिए ये हेल्पफुल है ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मीन्स यहाँ पे हमारी जो कॉन्क्रीट की ग्रेड है वो दिखाया हुआ है। कॉन्क्रीट मीन्स की जो कॉम्पोजिशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट जो उसको मिला के बनता है, यानी कि जैसे हम कंसिडर करते हैं M25, M25 का जो हमारा रेशियो है 1:1:2, जिसके अंदर एक पार्ट जो हैगा वो हैगा हमारा सीमेंट का, उसके बाद 1 सैंड का एंड 2 पार्ट एग्रीगेट का जो हमारे एग्रीगेट यूज होते हैं, जिसमें ये हमारे सारे कॉन्क्रीट ग्रेड दिए हुए हैं। इसमें हमारा फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस सीमेंट, और उसके बाद उसमें हम पानी मिला के उसका जो हम मिक्सचर बनाते हैं उसको हम कॉन्क्रीट कहते हैं, और ये कॉन्क्रीट की ग्रेड दिखाई हुई है M5 = 1:5:10, M7.5 = 1:4:8, M10 = 1:3:6, M15 = 1:2:4, M20 = 1:5:3, M25 = 1:1:2। गाइस इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं अगर आपको समझना है तो। एक पार्ट तो सबका सीमेंट का आएगा, उसके बाद आप 5 से शुरू करके 4, 3, 2, बस यहाँ पे उसका हाफ लेना आपने 2 का 1.5, देन 1, और फिर आप यहाँ से शुरू करो उसका डबल, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 3 का डबल 3, 1 का डबल 2। ओके चलो आ जाओ गाइस, अब क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट? रेनफोर्समेंट कंक्रीट मीन्स जहां पर हमारा स्टील बन चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन समझना, रेनफोर्समेंट कंक्रीट मीन्स जहाँ हमारा स्टील बंधा हुआ है वहां पर जो हमारा मिनिमम ग्रेड है कंक्रीट का वो कितना यूज होता है। जो वो हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो हमारा M20 यूज होता है। अभी आपने पढ़ा था इसके बारे में, M20 ये सबसे लोवेस्ट ग्रेड है। अगर इससे हम नीचे जाते हैं तो वो हमारा एज अ PCC में कंसिडर किया जाएगा, ये हमारा लोवेस्ट ग्रेड है। इससे नीचे अगर कहीं हमारा रेनफोर्समेंट बंधा हुआ तो उसमें हम M20 से नीचे ग्रेड यूज नहीं कर सकते, जैसे M15 है, M10 है, M7.5 है, वो हमारा PCC में यूज होगा। ओके M20 के ऊपर हमारा यूज, और M20 सबसे लोवेस्ट ग्रेड है जो हमारा बहुत नॉर्मल, जैसे कोई मंगती होगी घर की उस वे में यूज होता है। नहीं तो मैक्सिमम जो है हमारा, हम जो अपने घरों में यूज करते हैं M25 नॉर्मली सभी अपने घरों में, और जो मैक्सिमम जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें हमारा M35, M40, M50 तक भी जाता है, वो हमारा डिजाइन में एक्सपायर रहता है। M25 तक हमारा कंसिडर किया हो, उसके बाद M30, M35 वो हमारा डिजाइन मिक्स में आता है, उसके लिए मैं एक अलग आपको लेक्चर दे दूंगा। ओके गाइस चले अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयर केस? जो हम स्टेयर केस बनाते हैं, जो हम सीढ़ी बनाते हैं जब, तो उस सीढ़ी के अंदर जो हमारा स्लोप है वो कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता है सीढ़ी का। अगर हम साइट वर्क, अगर हम साइट इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन वो हमसे जरूर पूछेगा कि हमारा जो स्लोप है वो 25 to 45 डिग्री होना चाहिए, ये हमारा IS Code 456 में लिखा हुआ है। ये एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊं कि जो हमारा ट्रेड और राइजर जो हमारा इन दोनों में बनता है, जो हमारा ट्रेड है वो लोएस्ट जो है हमारा 150 mm का माना जाता है, और जो ये ट्रेड 300 mm, राइजर 150 mm। राइजर मीन जो वर्टिकल पार्ट जो होता है हमारा वो 150 mm का माना जाता है, ये एज पर CPWD स्पेसिफिकेशन में लिखा है। चलो राइजर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK? 1 BHK मीन्स 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। ये जब हम एक फ्लैट लेने जाते हैं तो वो हमसे एक एरिया का पूछते हैं कि जी 1 BHK है, 2 BHK है, तो उसके अंदर 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन, ये उसकी फुल फॉर्म है।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट ऑफ स्टील, स्टील का वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्टील का वेट निकालने के लिए डी स्क्वायर बाई 162। डी स्टैंड फॉर जो डायामीटर ऑफ स्टील, जैसे 8 का स्टील है तो 8 × 8 डिवाइडेड बाई 162, अगर 10 का है तो 10 × 10 डिवाइडेड बाई 162, तो उससे जो हमारा 1 मीटर की लेंथ का वेट आ जाएगा, इंटू लेंथ करेंगे हम तो जितनी लेंथ होगी उसका हमारा उतना वेट आ जाएगा। ये उसका फॉर्मूला, इसका गाइस पूरा डेरिवेशन है, डी स्क्वायर बाई 162 किस तरीके से निकला वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द लिस्ट कवर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर, जो हमारी आरसीसी मेंबर है उसके अंदर जो क्लियर कवर है हमारा वो कितना यूज होता है। तो ये हर एक के लिए अलग अलग है, फुटिंग के लिए 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm। क्लियर कवर मतलब समझ गए ना, जो हम जब रेनफोर्समेंट स्टील बांधते हैं, और अगर आप स्लैब की बात करोगे तो स्लैब में हमारी शटरिंग लगी होती है, शटरिंग के ऊपर हमने स्टील बांध दिया, स्टील और शटरिंग के बीच में जो गैप है जिस जो हमारा उसको कवर, क्लियर कवर बोलते हैं, वो हमारा स्लैब में मिनिमम 20 mm चाहिए चाहिए 20 mm मिनिमम इस वे में होता है कि उसके नीचे ताकि कॉन्क्रीट हमारा जा सके, इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमने कवर प्रोवाइड नहीं किया तो उसके कई सारे रिएक्शन हो सकते हैं, कॉन्क्रीट हमारे स्टील के ऊपर, स्टील पे जंग लग सकता है एक टेम्परेचर के इफेक्ट से, तो इसलिए वहाँ पर हम जो है कवर प्रोवाइड करते हैं। चलो फिर, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर, जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती है, हाई राइज टावर बनते हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट है फ्लोर टू फ्लोर वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 3 मीटर हमारी होनी चाहिए। ये ओनली स्टैंडर्ड हाइट जो CPWD गाइडलाइंस के हिसाब से दी है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिए में ये हाइट बढ़ जाती है, वहाँ मैक्सिमम कई बार किसी जगह पे मैक्सिमम हाइट की जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए वहाँ पे जो हमारी हाइट है वैसी स्टैंडर्ड हाइट 3 मीटर होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब मोल्ड, जो जो दोस्तों हमने कॉन्क्रीट की बात करी थी, उस कॉन्क्रीट के जो अगर हमने एक किसी साइट पे हमने कॉन्क्रीट डाला है, तो अब वो कॉन्क्रीट अच्छा है या बेकार है तो उसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे। अब वो टेस्टिंग के हिसाब से करेंगे तो वो टेस्टिंग के हम क्यूब भरेंगे, जो क्यूब का साइज है वो 150 × 150 × 150 mm का क्यूब का मोल्ड होता है, उसको हम क्यूब भरेंगे और उसको हम उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, उसको हम 7 days और 28 days तक हम उसको वाटर में डिप करके रखेंगे, उसके बाद 7 दिन में और 28 दिन में उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, तो 7 दिन में 67% और 28 दिन में पूरी 100% उसकी हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, जैसे M30 है तो उसकी 30 स्ट्रेंथ आ जाएगी 28 डेज में, उससे ऊपर आ जाएगी तो ठीक है, उससे नीचे आ जाएगी तो वो हमारे दिक्कत में है, तो उसके लिए फिर अलग एक प्रोसेस हो जाएगा, फिर कोर कटिंग वगैरह कई चीज़ें उसके साथ करनी पड़ेगी। तो ये आपका मोल्ड का साइज है, इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका जो मोल्ड का साइज है वो कितना रखते हैं, तो वो 150 × 150 × 150 mm। व्हाट इज द वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, जो हम सीमेंट का बैग यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा आपके घरों में भी, आपने भी घर बनवाया होगा उसमें जो सीमेंट का एक बैग आता है, सीमेंट के आप तो कई बैग मंगवाते होंगे, तो उस एक बैग का वेट कितना होता है, तो वो एक बैग हमारा 50 kg का होता है, ठीक है, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया। व्हाट इज BBS, BBS दोस्तों जो आप स्टील बांधते हो जब अपने साइट पे, जब आपने स्टील बांधा तो आपने स्टील बांध दिया पूरा, अब उस स्टील को आपने तो ड्राइंग के हिसाब से उसको मेंबर टाइप मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने उसको बांध दिया, अब उसका जो आप मेजरमेंट करोगे वो जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को BBS बोलते हैं, BBS स्टैंड फॉर बार बाइंडिंग शेड्यूल, स्टील की मेजरमेंट करने के लिए, तो उसको हम जो हम उसकी मेजरमेंट करेंगे उसको हम BBS बोलते हैं, ठीक है। हाउ टू मेजरमेंट ऑफ स्टील इन स्लैब, अब जो ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो हमने स्टील बांधा है, अब उस स्टील का आपने BBS बना लिया, ठीक है, अब उस BBS को आप किस टाइप से मेजर करेंगे, तो ये आपका है ये रनिंग मीटर में मेजर होगा, क्योंकि इसमें कई स्टूडेंट दिक्कत खाते हैं, वो इसको KG में बता देते हैं, KG हम उसको
किलो में दिखेंगे, किलो में करना है, लेकिन किलो में बार में ये पूछा है कि उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, तो मेजरमेंट जो है वो रनिंग मीटर में होगी ऑलवेज। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछे गए हैं। अगर आपको इसी तरीके से और क्वेश्चनों की लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, इसकी मैं पूरी और पूरे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे